रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ रात का टाइम हो रहा है और रात के टाइम पे जो है ना, मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड जेली ट्राइफल। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे आप बना सकते हैं अपने लिए, घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, और इंशाल्लाह आने वाली ईद पे इसे ज़रूर ट्राई करें। कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। आधे कप मैंने दूध लिया है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, और रफान वालों का मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो दूध में मैंने 4 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया है और अच्छे से जो है ना, मैंने इसे मिक्स कर दिया है। 1 लीटर दूध लिया था जिसे मैंने अच्छे से कर दिया है गर्म, ये देख सकते हैं। जब दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें जो है ना, अब मैं जो मैंने कस्टर्ड मिक्स किया है दूध में, इसमें मैं डालना शुरू कर दूंगी। और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी मैंने 2 टीस्पून इसमें शामिल की है, ज़्यादा चीनी मैंने इसमें शामिल नहीं की। इसकी वजह मैं आप लोग को आगे चल के बताऊँगी कि मैंने इसमें चीनी ज़्यादा क्यों शामिल नहीं की। एक तो जो है ना, हम कम चीनी ही यूज़ करते हैं, और मीठी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालते रहो तो एंड पर जब ट्राइफल बन जाता है तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसीलिए शुरू में ही हाथ जो है ना, हौले रखना चाहिए। तो यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे इतना पकाऊंगी कि हमारे कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और जो है ना, थोड़ा सा थिक हो जाए हमारा कस्टर्ड। तो ये कस्टर्ड जो है ना, थिक होना स्टार्ट हो गया है, और अब मैं इसे जो है ना, चूल्हे पर से उतार दूंगी और रूम टेम्परेचर पे इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप भर के पानी का, थोड़ा बड़ा वाला कप है, और जेली का पूरा पैकेट जो है ना, मैंने पानी में शामिल कर दिया। बस एक ही बॉयल आने देना है मैंने इसमें, उसके बाद हमारी जेली डन हो जाएगी। फ्लेम को यहाँ मैंने जो है ना, ऑफ़ कर दिया है और जेली को उतार दूँगी, और हम इस डिश में डाल देते हैं अपनी जेली को जमाने के लिए। थोड़ा सा मैं बचा दूंगी अपनी बेबी के लिए, क्योंकि मेरी बेबी को ये जेली बहुत पसंद है ना, अलग से उसके लिए जमा दूंगी। रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद फिर मैं फ्रिज में जमाने के लिए रख दूँगी। ये केक मेरे अब्बू लेकर आए थे शाम की चाय के साथ हमारे लिए, पर ये बहुत ज़्यादा मीठे थे, हमसे खाए नहीं गए। जितने खाए गए हमने खा लिए, बाकी बच गए थे ना। और ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा हो गया था, और मैंने फिर इसे फ्रिज में रख लिया था 10-15 मिनट के लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, इसका जो गर्मपन है वो निकल जाए। तो बस हमें इतना ही थिक चाहिए था। अब हम मैं इसे कर देती हूँ साइड पे, और ये मेरे पास जो है ना, 4-5 बनाना है, भाई बनाना लेकर आए थे तो मैंने सोचा इसी में शामिल भी कर दूँगी। और जेली भी हमारी जम चुकी है, इसकी भी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी से जम चुकी है हमारी जेली। और ये सारा प्रोग्राम बनाने का, जो ट्राइफल बनाने का मेरा माइंड बना, तो ये केक मैंने कहा ज़ाया ना हो जाए, इस वजह से मैंने बना लिया। रिस्क है ना, ज़ाया तो कर नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, इसलिए इसे खाना भी ज़रूरी है। जब एक चीज़ नहीं खाई जाती तो उसे जो है ना, दूसरा कोई डिश बना लो, कोई रंग दे दो, तो उसके बाद खाई जाती है ना। तो वैसे ही मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इस वजह से मुझे ना, माशाल्लाह से बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं मीठा बनाने में। तो यहाँ पे जेली भी हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम बनाते हैं ग्लास में ट्राइफल। आप चाहे छोटे बॉल में भी बना सकते हैं, वैसे मुझे ग्लास में बहुत अच्छा लगता है। मेहमानों के लिए बनाएं तो आप बड़े बॉल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो है ना, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है पर ग्लास, सभी को पता है घर में एक एक बंदा एक एक ग्लास खा सकता है, तो मेरा ख्याल है ग्लास में बनाना ही ठीक है। एक ते मैंने जो है ना, कस्टर्ड की लगा ली, दूसरी ते जो है ना, मैंने केक को अच्छे से मैश किया, और उसके बाद जो है ना, केक की ते लगा दी, दोबारा से फिर मैंने कस्टर्ड की तेल लगाई, और एक एक बनाना इसके ऊपर कट कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी जेली। अगर आपके पास 2-4 कलर की जेलियाँ और हो तो वो भी आप बना के डाल दें, और अच्छा लगेगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट हो तो उन्हें भी कूट कर ऊपर से डाल दें। तो मज़ेदार सा कस्टर्ड बन के तैयार हो गया है। आधे घंटे के लिए अगर फ्रिज में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा ना, तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो खैर ये ठंडा ही था, तो इस वजह से जो है ना, मैं जा रही हूँ सर्व करने के लिए। तो ऐसा है कि जब भी मैं कोई चीज़ बना लूँ तो मेरा दिल नहीं चाहता उसी वक्त खाने को ना, या तो मैं रख लेती हूँ, बाद में खा लेती हूँ, अगर उसी वक्त खाऊँ तो फिर थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो मैंने तो दे दिए थे अपनी सिस्टर्स को, मेरी सिस्टर ने खा लिया था और बहुत तारीफ़ भी की कि बहुत मज़े का बना है। अब्बू अम्मी के लिए मीठा ठीक नहीं था, तो मैंने अम्मी अब्बू को नहीं दिया,
और जो है ना अम्मी जो है ना फिर हमारी नाराज़ होती है, तो इसलिए मैंने अम्मी को जो है ना थोड़ा सा कस्टर्ड बचा के दे दिया था, ऊपर से जेली डाल के दे दी, तो अम्मी ने वो खा ली थी। और उसके अलावा जो है ना अब्बू को मैंने नहीं दिया था, चुपके से ही बना के हमने खा लिया था। और अब मैं जाने लगी हूँ अपने रूम में। रूम में जाने से पहले जो है ना ये दो काम मेरे करने ज़रूरी होते, एक अपनी बेबी के लिए फीडर बनाना और दूसरा मच्छरबत्ती लगाना। वैसे तो मेरी अम्मी भी लगाती है डेली हमारे लिए, लेकिन कभी कभी मैं लगा देती हूँ ना, तो मच्छरबत्ती लगाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी एहतियात किया करें या मैट वगैरह लगा लिया करें, क्योंकि आजकल इतने मच्छर हो रहे हैं, फ़ैन ऑन करो तब भी मच्छर पीछा नहीं छोड़ते। तो चले मैं जा रही हूँ रूम में और आप लोग को टाइम भी दिखा दूँ, 12:15 बजे का टाइम है। और मेरी बेबी सारे खिलौने जो है ना चारपाई में बिखेर के बैठ जाती है, खेलती रहती है, नाइट में भी कहती है कि मेरे पास ही रहे, तो इन्हें मैं साइड में कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम सो जाते हैं, तो गुड नाइट हो जाती है हमारी। तो यहाँ हमारी हो जाती है गुड मॉर्निंग। 25 फरवरी 2023 की मॉर्निंग है, हफ्ते वाला दिन है आज का। जैसे कि आप सभी को पता है डेली जो है ना आपके साथ में अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो डेली की व्लॉग ही शेयर करती हूँ। और टाइम देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि 11:20 पे कौन सी मॉर्निंग होती है, तो हुआ कुछ ऐसा कि अम्मी अब्बू और भाई को सरकारी काम के सिलसिले में जाना था सुबह ही सुबह शराय फैसल, तो वो तीनों चले गए थे। उसके बाद जो है ना हमारी गैस भी चली गई थी, गैस नहीं आ रही थी, अभी जाके जो है ना गैस आ गई है हमारी 11:20 पे। जैसे ही गैस आई तो मैंने डेली की तरह पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने फ्राइज़ की कटिंग की, और यहाँ पे अब मैं फ्राइज़ बनाने लगी। थोड़ा सा जो है ना घर का सालन का मिक्स मसाला, थोड़ा सा नमक डाल के इसे मिक्स कर देती हूँ, और जो है ना लो मीडियम फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके इसे पका लेती हूँ। और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे अब मैं इसे जो है ना फ्लेम को हाई कर दूंगी और अच्छे से इसे फ्राई करूंगी, ताकि थोड़ा सा अच्छा कलर भी आ जाए ना। हम तो डेली ही खाते हैं सालन पराठा और या तो अंडा पराठा, तो आज सालन नहीं था, अंडे भी ख़त्म हो गए थे, भाई भी घर पे नहीं थे, तो फिर मैंने थोड़े से फ्राइज़ बना लिए, क्योंकि पराठे जो है ना सिर्फ चाय पराठे के साथ नहीं खाई जाती। और ये है हमारी बासी चाय जो कि अम्मी ने सुबह बनाई थी। अब मैंने जो है ना इसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया, चीनी शामिल की, और अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी, और फ्राइज़ भी हमारे रेडी हो गए हैं और पराठे भी हमारे रेडी हैं। तो बस ये थी हमारी ब्रेकफास्ट की मॉर्निंग, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट हुआ हमारा। तो 3 बजे का टाइम है, अम्मी अबू और भाई अभी तक नहीं आए हमारे घर पे। जो है ना सारा जो राशन है वो ख़त्म हो गया है ग्रोसरी का, और सब्ज़ी भी डेली के जो है ना मेरे भाई लेकर आते हैं, तो भूख लग रही थी, और नाश्ता जो है ना हमने कर लिया था, लेकिन अभी भी मुझे भूख लगी, तो ये मेरा रात का बचा हुआ ट्राइफल था, ये मैं खाने लगी हूँ। बेबी से मैंने कहा खाओगी, तो बेबी तो सिर्फ जेली खाती है, तो बस वो ऊपर से जो है ना अपने लिए जेली निकाल रही है। और वाकई में ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, अभी तो बिल्कुल अच्छे से और भी ठंडा हो गया था। तो चले मैं अपने जो है ना ट्राइफल इंजॉय कर रही हूँ। अगर आप लोग को खाना है तो आप लोग आ सकते हैं। मेरी अम्मा आ गई, पिच्छू मेरा भैया आया, आए हाय बेहाल होकर आ गए, अम्मा की लेकर आई। चलो भैया, अब्बू आया कि अब्बू को ही छोड़ के आ गए? आए मेरा कमज़ोर अब्बा जान, थक गया बेचारा, अम्मी भी थक गई, अम्मी ने तो अबाया शबाया उतारा, थक गए, सुबह के गए हुए थे, सुबह के वो मेरे खुदा आया पाक, 4 बज रहे सुबह के गए, सुबह मेरा अब्बा जान आ गया, मेरा अब्बा जान ने जगह दे दी थी। देर टाइम हो लगा अबू ता सोखो बस अनो सखड़ल लिखा ना जान बार सखड़ल ही उखा ना मुंगलबम सराउनी जान लम ता सखड़ल तो खैर मैं अम्मी अब्बू के साथ गप लगा रही थी, क्योंकि थके हुए बाहर से आए हुए थे, तो मैंने अम्मी अब्बू से ये कहा कुछ खा पी कर आ जाते हमारे लिए भी आप लोग लेके आ जाते, क्योंकि घर पे तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए, सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं पकाया था। 5 मिनट बैठे अम्मी अब्बू भाई, पानी पिलाए हमने, और फिर भाई जो है ना दाल रोटी लेकर आ गए थे होटल से, तो भाई जो है ना वो गए हमारे लिए बिस्किट लेकर आए, गए शाम की चाय बना दो उसके साथ थोड़ा गुजारा कर लो, उसके बाद फिर मैं कुछ लेके आ जाऊँगा और आप लोग बना लेना। और ये ट्राइफल जो है मेरे भाई का है, और भाई जो थे रात को लेट आए थे, तो मैंने फ्रिज में रख लिया था, फिर मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने सोचा मैं भाई को दे आऊँ,
और भाई हमारे लिए बिस्किट लेकर आए हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और ये केक के 2 पीस लाए अबू ने, स्पेशली मंगवाए। हालांकि मेरे अबू के लिए ठीक नहीं है केक खाना, लेकिन अबू जो है ना फिर भी अपनी मर्जी करते हैं। खैर अबू जान तो अबू जान होते हैं, अबू जान को कुछ भी नहीं कह सकते, पर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मैं अबू जान के लिए फीकी चाय निकाल रही हूँ रोज़ की तरह, डेली की तरह। और अब जो है ना, चले कोई बात नहीं, थोड़ा मीठा कभी कभी खा ले। और ट्राइफल मैंने अबू से छुपा दिया था रात में, तो देखें अबू को पता नहीं कैसे पता चल गया होगा, या नहीं भी पता चला होगा, तो अबू अपने लिए केक ले आए थे। तो ये थी हमारी शाम चाय की रूटीन। और मेरे सब्सक्राइबर जो है ना, बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आ रही हैं कि आप जो है ना नेल पे अर्क लगाना सिखा दिए, किस तरह आप लगाती हैं, कौन सा लगाती हैं, और इतना प्यारा कलर आता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा पहले मार्केट, पहले मैं लेकर आऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। जब मैं लगाऊँगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और किसी ने मुझसे ये कहा कि सदका जारी है, प्लीज़ बता दे, तो बस अब तो मैंने लाजमी लाजमी मार्केट जाना है। वैसे मुझे लेट जाना था, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह जल्दी ही जाऊँगी और आपके साथ 2-4 दिनों में शेयर कर दूँगी। और आई होप आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया, वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोग देख लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब किया करें ताकि फिर मैं आपके साथ डेली के अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर किया करूँ। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।